आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो ईपीएफओ ने अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वालों का विवरण अपलोड करने की बढ़ाई है समय सीमा, अब 31 मई तक दे सकेंगे ब्यौरा। अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों से जुड़े वेतन विवरण को नियोक्ता अपने डेटाबेस में 31 मई तक जो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे। दरअसल श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कर्मचारी जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी मंडल के चेयरमैन ने नियोक्ताओं के लिए संबंधित विवरण अपलोड करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 थी, वही अब इसको जो है बढ़ाकर अब 31 मई 2024 यहाँ पर कर दिया गया है। तो अगर आप भी यहाँ पर पेंशन बढ़वाने का यहाँ पर विकल्प चुनना चाहते हैं तो आपको जो है पेंशन अधिक पाने का विकल्प चुनने वालों का विवरण अपलोड करने की समय सीमा जो है बढ़ा दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दिसंबर 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया है रिकॉर्ड। 1202 करोड़ रुपए के लेन देन के जरिए 18,23,000 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर। यूपीआई यानी यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट जो है पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने जो है दिसंबर 2023 में जो है 1202 करोड़ का ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। वह इस दौरान लोगों ने जो है 18,22,949 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन यहाँ पर किया है। वही एक महीने पहले जो है नवंबर में जो है 1,123 करोड़ के जो ट्रांजेक्शन जो है वो किए गए थे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार हिट एंड रन कानून को अभी नहीं करेगी लागू, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ली हड़ताल वापस। हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में चल रही हड़ताल का मामला सुलझ गया है। ट्रांसपोर्ट संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक का नतीजा जो है वो यहाँ पर नतीजा पर क्योंकि जो बैठक जो है पहुंच गई है। वही केंद्र सरकार इसे कानून को अभी लागू नहीं करने की घोषणा की है। ऐसे में ट्रक संगठनों ने जो हड़ताल जो है वापस लेने के लिए कहा है। वही देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। ये मुलाकात सफल रही और इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने का अनुरोध किया। वही केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यहाँ पर कहा कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो अधिकारी जो है उनके साथ जो है रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो है चर्चा की है। वह सरकार अभी जो है नियम लागू नहीं करना चाहती है। हम सभी को कहना चाहते हैं कि IPC की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे, इसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा।